इस देश में मुसलमानों का भविष्य वही है जो इस देश का भविष्य है। कौन हिंदू कौन मुसलमान, क्या है और किस जमाने की बात है? जो 22 को वो 24 में भी नहीं आएंगे, जनता फैसला कर चुकी है। जय श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति मान के साथ, जिनके शब्दों में इतनी ताकत है कि दुनिया भर में उनकी गूंज सुनाई देती है और उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं शब्द और वो के पूरक में कह सकती हूँ मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिन्हें बहुत जाना चाहा और सराहा। बहुत बहुत स्वागत है राम की नगरी अयोध्या में। अवध में आनंद भयो। हाँ हाँ बिल्कुल, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। अवध में उत्साह है, अवध में उल्लास है। इस धरती का कण कण रामलला के स्वागत की तैयारियों में बीत चुका है। अद्भुत दृश्य विहंगम। आपने अयोध्या नगरी में कई बड़ी बातें कही, आपने हिंदुओं को लेकर, सनातन को लेकर बहुत सारी बातें कही, रामलला लेकर अगर मैं कहूं आप हमारे दर्शकों से कुछ कहिए तो आपका भाव क्या है, मतलब कौन सी ऐसा इमोशन है जो सबसे पहले आता है? जैसे रामलला ने अपना जीवन जिया, जिन आदर्शों पे वो चले, हमें सिर्फ इतना प्रयास करना है कि जो हमारा भविष्य है वो रामलला के चारों तरफ घूमता हुआ नजर आए। जैसे रामलला जिए वैसे हम जिए, जो आचरण रामलला का था वैसे हमारा हो। अगर एक परिवार के तौर पे, एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होना है, तो आपके पास राम से बड़ा मॉडल, श्री राम से बड़ा नायक और रामायण से बड़ा फॉर्मूला आज तक नहीं है। आप मुझसे पूछें कि मेरे लिए राम कौन है, तो मैं कहूंगा राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेके संसार के सबसे बड़े आतताई अत्याचारी असुर से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी हमेशा के लिए आंखें मूंद के यहीं सो जाऊंगा। राम मेरे लिए वो राजा हैं जिनके नाम पर इस देश में रामराज्य की अवधारणा है। राम वो राष्ट्रप्रेमी हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका ठुकरा देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, कितना कुछ सीखने को है। रामराज्य की शुरुआत आप मानते हैं अब कि होगी, और वो रामराज्य कैसा होगा? क्योंकि यहां पर तो डिवाइड्स की बात की जा रही है, यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि एक मस्जिद को तोड़कर एक मंदिर को बनाया गया। रामराज्य की शुरुआत हो चुकी है, उसको और बेहतर बनाना है और परफेक्ट करना है, काम बस इतना ही है। रामराज्य का शुभारंभ हो चुका है हमारे देश में। अब जैसे कि होता है, हम नया सीखेंगे, हम और बेहतर होंगे और इम्प्रूव करेंगे, अब उतना ही होना है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं हम पे कि मस्जिद तोड़ के हमने मंदिर बनाया, तो ये तो बहुत सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि मस्जिद तो कभी बनी नहीं थी। जो तोड़ा गया वो तीन गुंबद थे, वो ढांचे थे। उन ढांचों को, उन गुंबदों को कभी मस्जिद का आकार हमने लेने ही नहीं दिया। हमारी 70 मीर बाकी जैसे दरिंदों से लड़ गई कि तुम्हें यहां मस्जिद बनाने नहीं देंगे। तो उस दिन 6 दिसंबर 1992 को जो तोड़ा गया था वो टूटे हुए मंदिर के मलबे से बना हुआ एक ढांचा था। हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब सबको हिंदू करने घर घर नरसंहार किए। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई, ना हम गिराएंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर पंथ का सम्मान करते हैं। हमारे ऊपर जो ये आरोप लगते हैं इनसे वेदना होती है कि ये दाग लगाने की कोशिश हम पे की जाती है, ये गलत है। तो जो अब ये लगातार आप तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, आप भी वो वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें कहते हैं कि हम अपनी जनरेशन को ये बताएंगे कि मंदिर से पहले मस्जिद थी, और वो ये कहते हैं कि जब हमारा दौर आए तो हम मस्जिद फिर से बनाएंगे। अरे भारत का दौर आना चाहिए भाई, मेरा और आपका, हिंदू और मुसलमान का दौर क्यों आए, भारत का दौर आना चाहिए। जब कोई कहता है, मैं देखता हूं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों का भविष्य क्या है। अरे भैया, इस देश में मुसलमानों का भविष्य वही है जो इस देश का भविष्य है। किसी पत्ते का, किसी टहनी का, किसी डाल का अलग से भविष्य नहीं होता, भविष्य पूरे पेड़ का होता है। अगर पूरा पेड़ हरा भरा है, पूरा पेड़ लहला रहा है, अगर भारत खुशहाल है, अगर भारतवर्ष दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, अगर आपका भारतवर्ष अगले 2-3 सालों में
5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाला है तो सबका भविष्य उज्जवल है। उसमें कहां आप बांट के देख रहे हैं कौन हिंदू कौन मुसलमान, क्या है ये और किस जमाने की बात है कि जो मेजोरिटी है वो खुद को एसर्ट करती है और जैश बात की जाती है, कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए जो एक उद्घोष था उसे एक नारा बना दिया गया। अगर आप इसको ऐसे परसीव करते हैं तो मुझे बड़ा दुख है, आपकी समझदारी पे मुझे तकलीफ हो रही है। जय श्री राम, हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, हम जय श्री राम जीवन भर बोलते रहेंगे, हमें अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता। रही बात हिंदू सुप्रीमेसी की, तो हिंदू सुप्रीमेसी इस देश में दिखाने की जरूरत क्या है? हम 100 करोड़ हैं और 100 करोड़ होने के बावजूद हमने कभी अपने आप को कहीं फोर्स नहीं किया, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। 134 साल हम अपने आराध्य का इंतजार करते रहे, न्यायालय के आगे गुहार लगाते रहे। दुनिया के किसी और कोने में मेजोरिटी इतनी बड़ी होती तो क्या ऐसा होता कि उनके आराध्य को उनके मंदिर से निकाल दिया जाए? और उसके बावजूद 100 करोड़ लोग प्रतीक्षा करते रहे हाथ जोड़ के, मुक्का तान के नहीं, हाथ जोड़ के, और फिर हमें आप कहेंगे कि हम असर्टिव हैं? हम कहां से असर्टिव हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है मनोज जी कि ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। आपको लगता है सनातन को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी हुई है या हिंदुओं को जब असहनशील इनटॉलरेंट कहा जाता है, ये एक सोची समझी कैंपेन है, साजिश है? ये साजिश थी लेकिन इतनी कमजोर थी कि एक्सपोज हो गई। अभी सबको पता है कितना झूठ कितना सही सफेद सब समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब ये लोग बहुत दयनीय स्थिति में है। इतना बड़ा चैनल है आपका, इतने अच्छे से आप हम मुझसे सवाल पूछ रही हैं, इनके बारे में चलिए हम और आप डिसाइड करते हैं कि बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस लायक भी नहीं बचे कि इनके बारे में बात की जाए। और 22 को नहीं आ रहे ना, जो 22 को वो 24 में भी नहीं आएंगे, जनता फैसला कर चुकी है। जय श्री राम। आप कुछ गुनगुनाएंगे ताकि मैं इसे क्लोज कर सकूं? मैं तो नहीं, लेकिन मैं लाइनें पढ़ दूंगा क्योंकि मैं गाता तो बहुत खराब हूं। जन्म जन्म की राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया कहानी एक है चन, एक है पानी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी कि आपने टाइम दिया है मुझे, उसके लिए आभार और धन्यवाद। धन्यवाद अदिति, और अगली बार हम और फुर्सत से बात करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।